विभीषण जी अपना परिचय देते हैं। भगवान ने पूछा, आए कैसे? ये बात अनमोल है। श्रवण सुयस सुन आय हूं प्रभु भंजन भव भी त्राहि त्राहि आरति शरण सुखद आपके यश को कर्णपुटों से श्रवण करके मैं शरणागत हो गया। शरणागति में कैसे आए? यश सुनकर नहीं, सत्य नहीं है। श्री हनुमान जी ने विभीषण जी को ये बात कही थी कि आप अपने भाई को समझाइए, वो माता जी को प्रभु के पास वापस ले चले। विभीषण जी ने समझाना प्रारंभ किया, रावण का स्वभाव नहीं अपने विरुद्ध कुछ सुनने का, उसने लतियाई दिया इनको। कुंभकर्ण से कहते हैं भक्तराज विभीषण, तात लात रावण मोही मारा, मेरे को लात मारा तो मैं चला आया। लेकिन यहाँ तो कहते हैं श्रवण सुयस सुनी आये, तो पहले क्यों नहीं आए भैया? यही हम सबकी एक गति है। जीव जब तक लतिया न दिया जाए, जब तक मार न खा जाए घर में, जब तक घर परिवार वाले तुतुर न दें, तब तक उसका मन भगवान में नहीं लगता। नहीं का है मान लेना और है को अपना मान लेना। हम आप क्या हैं? ईश्वर अंश हैं। क्या हैं? ईश्वर अंश। अंश का अर्थ होता है वही है जो वो है। अब आप लोग हमसे अलग अपने को नहीं मान सकते, जो हम हैं वही आप हैं, और जो अलग मानेगा वो कलाकार है। उसका रहना न रहना दोनों बेकार है। हम बार बार ये बात रखते हैं ना, कलाकार नहीं है हम लोग, ईश्वर अंश हैं। महाराज गाएंगे तो व्यास जी बजाएंगे, दूसरा गाएगा तो व्यास जी नहीं बजाएंगे, लेकिन शिव जी बजाएंगे। ईश्वर अंश, परिवार में पिता की सभी संतानें माता पिता की अंश हैं। देखिए ये एक नई रचना संसार व्यवहार की चली है, आपके बंगाल से शुरू हुई थी। क्या माता पिता बेटा बहू के साथ नहीं रहना चाहते हैं, बिटिया दामाद के साथ रहना चाहते हैं? क्यों रहना चाहते हैं? बिटिया माता पिता को समझती है, दामाद बिटिया की बात मानता है। लड़िकवा न माई बाप की मानते हैं न बहू की मानते हैं। तो कुछ दिन बाद आप दर्शन करेंगे कि अभी तो बहू विदा होकर आ रही है, बाद में लड़िकवा विदा होकर जाने लगेंगे। कैसे कि माता पिता उन्हीं के साथ रहना चाहते। हमारे गुरुजी इंटर कॉलेज के, तो वो दीदी के पास अधिक रहते थे। एक बार मैंने पूछा, गुरुजी वहीं भैया भाभी रहते हैं, आप वहाँ नहीं रहते हैं और दीदी जीजा के पास बहुत रहते हैं? तो बोले, प्रेमभूषण क्या बताऊँ बेटा, बिटिया के पास शांति और सुकून बहुत लगता है। ये देखिए, मैं कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं व्यासपीठ से चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए, लेकिन होगा ही। और जब सबके घर में होगा तो कोई बुरा भी नहीं मानेगा। आज नहीं कल होगा, क्योंकि हम सोचते नहीं हैं, हमसे सोचवा के बोलवाया जाता है।
नोटबंदी के एक सप्ताह पहले मैंने कहा था कि रुपया सब बैंक में रख लो, नहीं तो रुपया मिट्टी हो जाएगा, दुर्गापुर कथा में। 8 दिन बाद मोदी जी ने कहा वो जो रुपया है वो कागज हो गया। मेरे पास टेलीफोन आया, मैंने कहा भाई हमारी कोई टेलीफोन, अरे भाजपा वालों को ही पता नहीं चला कि मोदी जी ऐसा बोलने वाले हैं, तो दूसरे को क्या पता चलेगा। राजा तो अपने मन का स्वामी होता है, जो राष्ट्र के हित में होता है वो सोच करके कर लेता है। सपना आया सुबह एक्शन। भाव कहने का ये है, हम अपने अति व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर और भगवान में अपने मन को रमाते रहें, यही मनुष्य जीवन का हेतु है। लगाते रहें, लगे रहें। कई लोग आप आग्रह करेंगे, आइए आइए कथा चल रही है, आइए आइए तू चल मैं आता हूँ, ये 9 दिन चलता रहेगा। जब आप बाद में मिले कहेंगे क्या बताएं, इतना व्यस्त हो गए, इन्हीं 9 दिन में व्यस्त हो गए। अन्यथा न लीजिएगा, उनका सम्मान करिएगा, अपना स्नेह बनाए रखिए, कोई बात नहीं। नहीं सुन पाए लो पेन ड्राइव ले लो, गड़िए में सुन लेना, पीछे पड़े रहिए। देखिए अन्यथा न लीजिएगा, नशेड़ी जैसे नशा के लिए एक आदमी के पीछे पड़ के नशा करा देता है, भगत को पीछे पड़ के जीव को भगत बना देना चाहिए। लगाए 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 रहिए, और लगे लगे एक न एक दिन भगत तो बन ही जाएगा, उद्धार होगा। 10 भी भगत हमने जीवन में बना लिया तो उनका 10% कमीशन हमारे नाम तो 100% कमीशन हो गया। भगत होए, भगवान का होए, क्यों नहीं होगा, हम हैं तो वो क्यों नहीं होगा। भक्त का भाव रखना चाहिए। ये 5 इंद्रियों से उत्पन्न विकार भगवान की कथा, भगवान का भजन अपने आप दूर कर देती है, हम इसमें रमें।